लापरवाही ने रौंदी जिंदगी, ट्रैक्टर ने कुचला बारातियों को। बीकानेर से बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता रहे, लापरवाही ने जिंदगियों को रौंद दिया है, ट्रैक्टर ने बारातियों को कुचला और तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर है। कई गंभीर बताए जा रहे हैं। नया शहर थानाधिकारी गुर भूपेंद्र मौके पर पहुंचे हैं, जो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मौके पर अधिकारी पुलिस मौजूद है, रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। लक्ष्मण, इस खबर को लेकर भी अपडेट आप दें। देखिए, बेहद जो है एक तरह से कही दुखद खबर है। ये घटना है जो नया शहर थाना इलाके की है। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास से जो है ये बारात जा रही थी पैदल, और एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जो है इन जिंदगियों को कुचला है। तीन लोग बेहद बुरी तरह से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ लोग घायल भी हैं। और ये तीनों महिलाएं हैं, और जो थाना अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं। संख्या बढ़ भी सकती है, घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। आज का दिन राजस्थान पर ऐसा लग रहा है बेहद कहीं ना कहीं ये बुधवार भारी साबित हो रहा है। उसी के बाद बीकानेर में ही एक और सड़क दुर्घटना में भी तीन लोगों की मौत हुई, और अब ये जहाँ तीन लोगों की मौत होना है इस तरह से निश्चित तौर पर फिलहाल जो है पुलिस मौके पर है और अस्पताल में तमाम कोशिश की जा रही है। वो घायल पहुंच रहे हैं, लेकिन तीन लोग सड़क पर कुचले गए हैं और उनकी मौत हो गई है। क्या इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, और मौके पर कितने बाराती थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? देखिए, बारातियों की संख्या 60 से 70 बताई जा रही है, और जिस वक्त ये हादसा हुआ अभी थोड़ी देर पहले हुआ, सबसे पहले हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, दुखद खबर है। और उस वक्त जो है ये जो जानकारी हमें दी गई पुलिस द्वारा, ट्रैक्टर की तेज रफ्तार और लापरवाही से जो है उसने ड्राइविंग की, जिसके चलते ट्रैक्टर ने इन बारातियों को कुचला है और तीन महिलाओं की मौत हुई है। कुछ और भी घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल भेजा जा रहा है। तो ये पैदल चलते एक तरह से जो बाराती थे उनको लापरवाही तरीके से ड्राइविंग और तेज रफ्तार की ड्राइविंग की कीमत चुकानी पड़ी है, और तीन जिंदगियां ले गई। बिल्कुल, तीन लोगों की मौत हुई, और आप बता रहे कि कुछ लोग और हैं जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनकी स्थिति कैसी है? लक्ष्मण, कोई अपडेट उनकी हालत को लेकर? अभी मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर सबसे पहले उनको जो कुचले गए थे उनको लाया गया, जिनको मृत घोषित किया, इसके अलावा घायलों को लाया जा रहा है। पुलिस अभी जो है मौके पर है, तो कह सकते हैं कि अभी बहुत बेहद जल्दी है, आंकड़ा जो अभी तक नहीं आया है पूरा आंकड़ा क्या है, लेकिन कुछ घायल है जिनको लाया जा रहा है। और कहाँ के रहने वाले हैं सभी, जितने लोग अभी घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं वो, और जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनको लेकर जानकारी? जो जानकारी मिल रही है नत्थू सर बात से, जो ये लोग बताए जा रहे हैं बारात वहीं से जो जा रही थी, हाँ। तो वहीं के लोग हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से चीजें क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हमने अभी हादसा हुआ है और तुरंत जो है जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखेगा, एक और बड़ा हादसा यहाँ पर।